गाइस, दिस इज़ ज़हीर सिद्दीकी। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे फ़िश न्यूट्रिशन कंटेंट के बारे में। सो फिश ऑलमोस्ट हमें फ़िश में प्रोटीन बहुत अच्छा मिल जाता है। सो हर सारी फ़िश अच्छी होती है, बट हम ले रहे हैं टूना फ़िश क्योंकि इसमें हमें प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है। सो इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। आई होप कि मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, कम टाइम में अपना बेस्ट दे सकूँ आपको। सो मैं स्टार्ट करता हूँ 100 ग्राम टूना फ़िश से। सो हमें इसमें कैलरीज कितनी मिल रही, कैलरीज का मैंने वीडियो में आपको बताया था हमें कितनी इंटेक करनी होती है। 2000 से 3000 तक डेली कैलरीज इंटेक करनी होती है। सो हमें इसमें कैलरी मिल रही है 132 कैलरी मिल रही है। डेली वैल्यू बेस्ड ऑन 2000 कैलरी डाइट 6.6%। सो हमें इतनी कैलरी मिली इसमें। अब फैट पे आता हूँ मैं। टोटल फैट हमें कितना मिल रहा है, 1.3 ग्राम। अब इसमें सैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम है, पॉली अनसेचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट 0.3 ग्राम है। सो फैट भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सो बहुत अच्छा है। फैट ज़्यादा नहीं मिल रहा हमें, ये अच्छा है हमारे लिए। अब मैं आता नीचे कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल हमें कितना मिल रहा है, 60 मिलीग्राम हमें मिल रहा है इसमें, और 20% इसमें हो रहा है। सो अब मैं आता हूँ सोडियम पे। सोडियम हमें इसमें मिल रहा है 47 मिलीग्राम, 1%। पोटेशियम पे आ रहा हूँ। सो इसमें हमें पोटेशियम बहुत अच्छा मिल रहा है, 522 मिलीग्राम मिल रहा है, 14%। पोटेशियम जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि कितना हमें एक डे में इंटेक करना होता है, 3500 to 4700 मिलीग्राम तक हमें इंटेक करना होता है। सो हमें इसमें मिल जा रहा है 522 मिलीग्राम, सो अच्छा है। टोटल कार्बोहाइड्रेट 0, डाइट्री फाइबर 0, प्रोटीन हमें इसमें कितना मिल रहा है। सो मेन हमारा टॉपिक था प्रोटीन, इसमें हमें कितना मिल रहा है। प्रोटीन मिल रहा है हमें 28 ग्राम, सो अच्छा मिल रहा है, मार्जिन अच्छा। 28 ग्राम हमें 100 ग्राम में मिल जा रहा है, सो इसका 56% हुआ। प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो मसल बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत आसानी से एनिमल प्रोडक्ट, नट्स और बीन्स में पाया जाता है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी को कैलरीज प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलरीज मिलती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो डिटेल है, मैं पूरी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या डिफरेंट है। सो उसका एक अलग एपिसोड बनाऊंगा मैं। प्रोटीन की मैं डिटेल आज शेयर करूंगा। प्रोटीन बनता कैसा है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को मिला के बनता है। सो प्रोटीन इससे बनता है। अमीनो एसिड हेल्प करता है प्रोटीन बनने में, और प्रोटीन हेल्प करता है मसल मास बनने में। जब प्रोटीन अपने बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो इससे हमारे मसल को एनर्जी मिलती है। उससे ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। सो अब मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल कि हमें कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। 0.8 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, लेकिन 2 ग्राम जो है वो उसका वो एथलीट लोग के लिए। एग्जाम्पल लेंगे 75 kg से इंटू करेंगे 0.8 को, इक्वल हमें कितना हो रहा है इसमें, 60 ग्राम। सो 60 ग्राम ये एक नॉर्मल इंसान का मैंने बताया आपको। अब ये आपको देखना है कि आपकी एज क्या है, आपके जेंडर क्या है और एक्टिविटी लेवल क्या है आपका, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना प्रोटीन आपको इंटेक करना है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में हम इंटेक कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना प्रोटीन हम ले रहे हैं इतना डाइजेस्ट हो जाएगा। सो आप देख लो अपना वर्कआउट आपका कैसा है, आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा हाँ मुझे इतना इंटेक करना है। सो ये था हमारा प्रोटीन का पूरा डिटेल जो मैंने आपसे बताया। अब मैं आता हूँ विटामिन पे। विटामिन ए हमें मिल रहा है 1%, कैल्शियम मिल रहा है 3%, विटामिन डी मिल रहा है हमें 0, कोबालेमिन हमें मिल रहा है 30%, विटामिन सी मिल रहा है हमें 1%, आयरन हमें मिल रहा है 8%, विटामिन B6 मिल रहा है हमें 50%। विटामिन B6 मैंने जैसा कि आपको बताया था हम करता है रेड ब्लड सेल बनने में और ब्रेन फंक्शन मेंटेन करता है, तो अच्छा इसमें हमें 50% मिल रहा है। मैग्नीशियम हमें मिल रहा है 11%,
सो गाइस आपसे दिया ये इसकी वजह ये थी कि हमें इसमें प्रोटीन कितना मिल रहा है, प्रोटीन हमें इसमें मिल रहा है पर 28 ग्राम मिल रहा है। सो और भी फिश के कंपेयर में हमें इसमें बहुत अच्छा मिल रहा है। सो बताने का मतलब ये था कि प्रोटीन इंटेक करने से हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारा मसल मास बढ़ता है तो उतना ही हमें इंटेक करना है, ओवर नहीं। तो उस हिसाब से हमें अपने बॉडी का वेट देख लेना, हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, वो हिसाब से कैलकुलेट करके परफेक्ट तरीके से हमें इंटेक करना है, सो बेनिफिट मिलेगा। सो जो भी हम मतलब इंटेक कर रहे हैं उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। सो इसलिए मैंने ये वीडियो आपसे शेयर किया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो गाइस ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस बाय, टेक केयर।